मोहित भाई, बहुत से लोग आते हैं इंडिया से दुबई जी, विजिट वीज़ा पे आते हैं जी। तो क्या एक तो आईफोन लेना होता है उनको, एक गोल्ड लेना होता है जी, और गोल्ड लेके ही जाते हैं, और लेडी साथ में हो, वाइफ साथ में हो तो जरूरी लेके जाते हैं। कितना डिफरेंस रहता है यहाँ पे जो आते हैं इंडिया से यहाँ पे उनको ले जाना चाहें तो? जनरली गोल्ड रेट। नमस्ते इंडिया, मैं अजीत दुबई साहब का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं दुबई के गोल्ड सुक घूमने आया था। गोल्ड सुक दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में से एक है। यहाँ पर अराउंड 300 शॉप होंगी, अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर शॉप हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस शॉप भी हैं जो कि इंडियंस ब्रांड हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पर देख के यही लगता है कि इंडियंस ही यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं गोल्ड, क्योंकि अगर मार्केट में विजिट करेंगे तो आपको इंडियन ही सबसे ज़्यादा दिख जाएंगे। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का गोल्ड बहुत प्योर है। आपने काफ़ी सुना होगा लोग गोल्ड लेके जाते हैं दुबई से इंडिया के लिए। आज मैं अंदर शॉप में जाके आपको गोल्ड का रेट बताता हूँ, और ये भी बताऊँगा कितना डिफरेंस है इंडिया और दुबई में गोल्ड रेट का। मैन एंड वुमेन कितना गोल्ड ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के दिल में दिमाग में ये रहता है कि कितना गोल्ड ले जा सकते हैं दुबई में, वो सारा आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और यहाँ की खास बात यह है कि जो एक गोल्ड रिंग है जिसका वेट 64 kg है, जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी यहाँ पे। गोल्ड सुक के गेट नंबर 1 से एंट्री करते ही आपको ये शॉप दिख जाएगी। इस शॉप में ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वाली गोल्ड रिंग रखी हुई है, ठीक है, वेट 64 kg है, ये इसका सर्टिफिकेट है। यहाँ पर काफ़ी रश लगा रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बड़ा गोल्ड रिंग है। बॉलीवुड की भी कुछ मूवीज़ में भी इसका सीन आया है, जैसे वेलकम बैक मूवी मैंने देखी थी तो उसमें अनिल कपूर डिंपल कपाड़िया का सीन था, वो यहीं पे फिल्माया गया था। और अंदर चल के देखते हैं, या वहाँ पर मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजिंग है ना, वो मलबार गोल्ड की है। मलबार गोल्ड ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दुबई में, उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। और यहाँ पर जो आपको एडवर्टाइजिंग दिख जाएगी ना, ये करीना कपूर और अनिल कपूर का ही लगा हुआ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। पूरे गोल्ड सुक में जगह जगह पर बैठने के लिए यहाँ पर चेयर बनी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सभी देशों के लोग आते हैं, यूरोपियन भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। और एक इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि यहाँ पर पूरा सामने से ही इतना दिखता है, इतना ज़्यादा गोल्ड है ना यहाँ पे, एक अट्रैक्ट करता है लोगों के लिए। अभी मैं आपको कुछ शॉप्स ऐसी दिखाऊंगा जिसके बाहर से ही देख के लगेगा कि पता नहीं करोड़ों का गोल्ड होगा यहाँ पे। ये गोल्ड हाउस ज्वेलरी शॉप्स करके है, इसमें देखिए कितना गोल्ड लगा हुआ है। इधर भी देखिए पूरा ओपन। मेरे को लगता है कि जो लोग खरीदने आते हैं उससे ज़्यादा देखने वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फोटो खींचने होते हैं आके, और यही मेरे को दिख रहा है काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं ऐसा। अभी किसी शॉप में जाके पता करते हैं कि क्या रेट चल रहा है इंडिया में और दुबई में, क्या डिफरेंस है। और ये धाकन शॉप है गेट नंबर 3 के पास, गेट नंबर 3 के पास ही है, इसमें जाके पता करते हैं कि क्या गोल्ड का रेट है आज। मोहित भाई कैसे हैं जी? सर एकदम बढ़िया। आप ये मोहित भाई हैं, कहाँ से हैं मोहित भाई? मैं गुजरात से हूँ, गुजरात राजकोट इंडिया। गुजरात राजकोट से जी। मोहित भाई, बहुत से लोग आते हैं इंडिया से दुबई जी, विजिट वीज़ा पे आते हैं जी, तो क्या एक तो आईफोन लेना होता है उनको, एक गोल्ड लेना होता है जी, और गोल्ड लेके ही जाते हैं, और लेडी साथ में हो, वाइफ साथ में हो तो जरूरी लेके जाते हैं। कितना डिफरेंस रहता है यहाँ पे जो आते हैं इंडिया से यहाँ पे उनको ले जाना चाहें तो? जनरली गोल्ड रेट में क्या है सर, इधर और इंडिया में 4000 रुपये तक का फर्क रहता है। अच्छा, इधर 4000 रुपये सस्ता है और इंडिया में 4000 रुपये तक का महंगा रहता है। ये एक एवरेज है, 4000 ये एवरेज है, 3800 to 4000 है, तो वो एक एवरेज रेट में इतना फर्क रहता ही है। सो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि इधर आए हैं तो गोल्ड लेते हैं, प्लस इधर की डिज़ाइन जितनी अच्छी अच्छी मिलती है, क्योंकि इधर क्या है, दुबई इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट राइट, सो हियर यू विल फाइंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू विल फाइंड द कस्टमर्स एंड वी हैव द टेस्ट ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। सो इसके हिसाब से ज़्यादातर लोग गोल्ड प्रीफर करते हैं, गोल्ड प्रीफर करते हैं, आईफोन्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इतना फ़र्क है। अच्छा, मेकिंग चार्ज में कितना डिफरेंस रहता है? मेकिंग चार्ज में भी फ़र्क रहता है, क्योंकि देखो इंडिया में अगर आप देखो तो परसेंटेज वाइज और इधर के परसेंटेज वाइज 5 to 5 to 7% का मेकिंग में भी फ़र्क रहता है,
और मेन चीज़ इज डिज़ाइन, डिज़ाइंस भी आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे डिज़ाइन भी हर हिसाब से। प्लस दूसरा प्लस पॉइंट अभी ये है कि टूरिस्ट लोगों के लिए दुबई गवर्नमेंट ने टैक्स कम्प्लीटली फ्री कर दिया है, सो वेन एवर दे आर बाइंग दे नीड टू पे द टैक्स टू द शॉप बट फ्रॉम द एयरपोर्ट दे विल गेट दैट। अच्छा, 5% भी नहीं देना है, वो भी नहीं देना है। सो कम्प्लीटली मतलब सेविंग होती है गोल लेने में, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, यहाँ से अगर लेडी कितना ले जा सकती है और मैन कितना ले जा सकते हैं, वो भी एक बार बता दीजिए आप। जी, लेडीज लीगली सर ऑन पेपर देखिए तो 1.5 लाख रुपए तक का गोल लेके जा सकते हैं। अच्छा, और मेंस के लिए 50,000 रुपए तक का अलाउ है। अच्छा, तो 1.5 लाख रुपए तक का अगर हम तकरीबन गिने तो 3 तोला तक लेडीज ले जा सकती है और मेंस 1 तोला तक। अगर वो पहले से बियर करके आई है इंडिया से जी, तो और यहाँ से ले जाए तो क्या मतलब कुछ तो मतलब क्या होता है, देखो अगर इधर से लेना है ना तो लीगली उनको एयरपोर्ट पे डिक्लेयर करना है जब भी वो इधर आते हैं। अच्छा, कि आई एम कैरिंग दिस मच ऑफ गोल्ड, मैं ये पहन के जा रहा हूँ और इधर से फिर मैं मतलब मे बी आई विल बाय, सो क्या है कि मतलब कंफ्यूजन ना हो, तो पहले हो। से उसको ये करना पड़ेगा, तो पहन के ही नहीं आए मतलब लेने का प्लान है, अगर पहन के आ रहे हैं तो एक बार वहाँ पे इन्फॉर्म करके आना है। जी जी जी, जनरली ऐसा ही करते हैं क्योंकि क्या है ज़्यादातर तो ओवरलोडेड तो पहन नहीं सकते, सो वो पहन के नहीं आते, इधर से पहन के निकल जाते हैं, इज द बेस्ट वे। अच्छा, और यहाँ पर गोल्ड की खासियत क्या है जो मतलब यहाँ पर लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं? जी, इधर की खासियत 2-3 खासियत ऐसी है उसकी वजह से प्रिफरेबली गोल्ड इधर से लेना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी में दुबई यूएई में फ्रॉम ऑल ओवर द यूएई आप कहीं से भी लियो, प्योरिटी में कोई कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अच्छा, बिकॉज हियर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, सो फ्रॉम द बिगिनिंग सोना एकदम मतलब पक्का 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सेकेंड थिंग इज डिजाइंस। हियर लाइक आई सेड, हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यू विल फाइंड द पीपल। हम लोग इधर 12 महीने में एवरी डे वी इंटरेक्ट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, लाइक पीपल फ्रॉम रशिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएस, सब जगह से कस्टमर्स आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि लाइक यू नो वी हैव टू कीप ऑल द कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा कस्टमर आपके पास कहाँ के आते हैं? ये तो मैं बता मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सबसे ज़्यादा रहेंगे यूके से, इंडिया से और रशिया, चाइना से, सब जगह। और लोकल तो है ही, लोकल तो है ही, जी जी जी, वो भी बहुत बाय करते हैं। और आपकी शॉप भी काफ़ी फेमस है, गेट नंबर 3 के पास ही है बिल्कुल। जी सर, मेरी शॉप के बारे में थोड़ा बताऊँ तो हमारी शॉप आवर शॉप इज इन दुबई सिंस लास्ट 55 ईयर्स, थर्ड जनरेशन, 50-55 साल पहले की ये शॉप है। अभी हमारे टोटल 15 ब्रांचेज है इन दुबई ओनली, और इंडिया में भी 3 ब्रांचेज है, सो यू कैन से लाइक यू नो इन दिस मैं आपको रोकना चाहूँगा। या भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, गुजराती इंडिया में भी नहीं, गुजराती बाहर भी बहुत धमाल मचा रहे हैं। 55 ईयर से शॉप है और काफ़ी सारे गुजराती लोगों की शॉप है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 90% इज गुजराती। धंधा करना सीखना है तो गुजरातियों से सीखो भाई, कैसे धंधा करते हैं, ज़बरदस्त एकदम, हर जगह छाए हुए हैं ये लोग। मोहित भाई, एक बात और बताइए, अगर कोई इंडिया से आया है मेरी वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख ली और आपके पास आते हैं, शॉप मैंने दिखा चुका हूँ, तो आप कुछ मेगा चार्जेस में डिस्काउंट देंगे? कुछ देना ही पड़ेगा ना सर, क्यों मना करेंगे, फॉर श्योर सर, पक्का है? पक्का पक्का, जितना हो सकेगा उतना डिस्काउंट दे देंगे। तो इनके भाई गेट नंबर 3 के पास शॉप है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखाऊंगा अगर आप यहाँ पे आएंगे। आप अपना नाम बता दीजिएगा, शॉप का नाम है दक्कन ज्वेलर्स। दक्कन ज्वेलर्स, ये मार्केट में 15 शॉप्स है, 15 शॉप ऐसी मार्केट में? जी, सेम मार्केट के अंदर 15 शॉप्स है, और इधर हमारी नजदीक में गोल्ड सुक एक एक्सटेंड नई बिल्डिंग बनी हुई है, उधर भी हमारी एक्स्ट्रा मतलब 3 शॉप्स खुली है अभी जस्ट रिसेंटली। पर अगर आपको ये शॉप पे आना है तो पर्टिकुलरली यू जस्ट कम टू इनसाइड द गेट नंबर 3। गेट नंबर 3 से आप जैसे एंटर होगे राइट हैंड साइड पे बड़ा बोर्ड दिखेगा दक्कन ज्वेलर्स करके। अच्छा, सो मोस्ट वेलकम एनी टाइम, और ये जैसे सर ने बताया उनका नाम अगर आप लोगे तो स्पेशल डिस्काउंट देंगे ही, फॉर श्योर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये दक्कन ज्वेलर्स थी, ये भाई गुजरात से थे, गुजराती काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं गुजराती, बड़े दुबई में भी बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस कर रहे हैं, और ये यूएई के बनने से पहले से गुजराती यहाँ पे आए हुए हैं, यानी पहले तो अलग अलग एमिरेट से ना, बाद में एक कंट्री में कन्वर्ट हुआ है ये, तो उससे पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं यार, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं गुजरात के लोग भाई।
और ये आपको देरा दिख जाएगा। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी शॉप दिख जाएंगी अगर आप गोल्ड सूक से बाहर निकलेंगे तो। मसाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो मसाले यहाँ पर ईरानी मसाले, ज़ैफ़रन, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई घूमने आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर करने के लिए। और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए थोक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं देरा के अंदर। वो धीरे धीरे मैं कवर करूँगा, बताऊँगा आपको कि क्या क्या यहाँ पर सस्ता मिल जाता है। आज तो मेरे को गोल्ड सूक की ही वीडियो बनानी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको गोल्ड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है दुबई के बारे में, मैं दुबई में ही रहता हूँ तो वीडियो भी बनाता हूँ आपके लिए दुबई में, तो मैं बताऊँगा आपके लिए अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी तो। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।